हाय दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। और हाय दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। और अभी आज आए हुए हैं, दोपहर के बज रहे हैं 2, और अभी हम आए हुए हैं खेत की तरफ, खेत कटवाने के लिए। हार्वेस्टर इधर चल रही है, अब कुछ देर में अपने खेत के पास आएगी, तो वही खेत कटवाने के लिए आए हैं। तो अभी हम दिखाते हैं कि अभी कंबाइन कहाँ है और कब तक अपने खेत में आती है। ये देखिए, अभी इधर अपना खेत है, उस साइड एक, और इधर है। अभी आएगी कंबाइन, अभी हार्वेस्टर वहाँ चल रही है, वहाँ से अब यहीं पे आएगी, उसके बाद डायरेक्ट यहीं पे आएगी। तो अभी हम मशीन पर से ट्रैक्टर लेके आए हैं यहाँ पे खेत के पास। तो देखते हैं अभी कब तक हार्वेस्टर आती है अपने खेत में। तो दोनों खेत कटवाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि गेहूं का क्या एवरेज है और क्वालिटी कैसा है दोनों खेत को मिला के। और सॉरी, आप लोगों को हम दिखा नहीं पाए, एक हमारा खेत रात में कटा उधर मंदिर साइड में, वहाँ 10 कट्ठे खेत में बहुत कम गेहूँ गिरा, 2 क्विंटल 80 kg गेहूँ गिरा। वहाँ का एवरेज सही नहीं था और गेहूँ भी सही नहीं था, क्वालिटी बहुत ख़राब थी गेहूँ की। अभी देखते हैं इस वाले खेत का कैसा एवरेज है, क्या क्वालिटी है, जैसा होता है आप लोगों को दिखाते हैं। और गेहूँ कट जाता है तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, मतलब एक तरफ से समझिए कि सारी टेंशन ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इस समय बहुत आग लगने की चांस होती हैं। अभी कल उस साइड आप देख सकते हैं हार्वेस्टर जहाँ चल रहा है, दूर आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा, बहुत दूर, वहाँ पे कल आग लग गई थी, तो उसके कारण वहाँ थोड़ा सा नुकसान हो गया गेहूँ, 1.5-2 बीघे गेहूँ चल गए। इसी चीज़ का डर, तो इसी चीज़ का डर होता है आग का और बारिश वरिश का गेहूँ में। और सबसे ज़्यादा डर तो होता है आग का, क्योंकि आग से जल जाती हैं तो फसलें एकदम ख़राब हो जाती हैं, कुछ बच्चा बचता ही नहीं है। तो देखते हैं अभी कब तक हार्वेस्टर आती है, जैसा होता है आप लोगों को आगे दिखाते हैं। ठीक है, इसको अभी अपने खेत के तरफ कंबाइन आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और इस अभी ये खेत कट रहा है, इसके बाद अपना ही खेत कटेगा। ये देखिए, अभी कंबाइन यहाँ चल रहा है इस वाले खेत में, उसके बाद इसके बगल वाला खेत अपना ही है, तो इसके बाद अभी अपने में जाएगा। इसके बाद अपने में जाता है तो आप लोगों को दिखाते हैं कटिंग होता है। तो तो अभी ये वाला अपना खेत कट चुका है, और देखिए अभी इतना इसमें गेहूं गिरा हुआ है, अभी इस वाले खेत में इतना गेहूं गिरा है, और ऐसी इसकी क्वालिटी है कुछ। तो अभी हमारे पीछे हार्वेस्टर चल रही है, वो वाला खेत अपना कट चुका है, अभी गाड़ी वहीं पर खड़ी है, और ये वाला खेत अभी बचा हुआ है ये वाला। तो देखिए अभी कब तक आता है कंबाइन हार्वेस्टर ये वाला खेत काटने के लिए, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये गाइस, तो पहले ये भी अपना छोटा वाला खेत काटने लगा, इसके बाद घर चला जाएगा। ये गाइस, तो अभी हम घर पे पहुंच गए हैं, जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं। और ये देखिए, अपने खेत में दोनों खेत को मिला के इतना अनाज गिरा है, बहुत कम अनाज गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा है।